गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 20.2। क्वेश्चन नंबर 4। द सेल ऑफ काइट्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ शॉप इन अ वीक इज शोन अलोंग साइड एज अ पिक्टोग्राफ। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्टोग्राफ में हमें डेज गिवन है एंड नंबर ऑफ काइट्स गिवन है। मंडे को कितनी काइट्स सोल्ड हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5। बट एक सिंबल टू काइट्स को रिप्रेजेंट करता है। कितने सिंबल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 × 2, डेट इज 10 काइट्स। ट्यूजडे को कितनी काइट्स सोल्ड हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सिंबल्स हैं। 1 सिंबल 2 काइट्स को रिप्रेजेंट करता है। डेट मीन्स 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 16 काइट्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर वैल्यूज। नाउ फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी काइट्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितनी काइट्स सोल्ड हुई हैं? काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 सिंबल्स हैं। 1 सिंबल 2 काइट्स को रिप्रेजेंट करता है। डेट मीन्स 7 × 2, 14 काइट्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 14 काइट्स। सेकंड, ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड। किस दिन सबसे ज़्यादा काइट्स सोल्ड हुई है? डेट इज संडे। सबसे ज़्यादा काइट 18 काइट्स संडे को सोल्ड हुई है। आंसर विल बी संडे। थर्ड, इफ वन काइट वॉज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10, वॉट वॉज द टोटल सेल ऑन संडे। वन काइट का जो प्राइस है वो ₹10 है। संडे को टोटल कितना सेल हुआ है, कितना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है? तो देन टोटल काइट सोल्ड ऑन संडे, संडे को टोटल 18 काइट सोल्ड हुई है। वन काइट का प्राइस है ₹10। सो 18 काइट्स का प्राइस होगा 18 × 10, डेट इज ₹180। फोर्थ पार्ट, कैन यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड इन द वीक। पूरे वीक में कितनी काइट्स सोल्ड हुई हैं? उसके लिए आप ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। ये सारी वैल्यूज ऐड करके यू विल गेट 84। टोटल 84 काइट्स सोल्ड हुई हैं। फिफ्थ पार्ट, इफ वन बिग कार्टन कुड होल्ड 21 काइट्स, हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड टू होल्ड द टोटल काइट्स सोल्ड इन द गिवन वीक। एक कार्टन या एक बॉक्स में टोटल 21 काइट्स आ सकती हैं। अब 84 टोटल काइट्स कितनी है? 84 काइट्स को रखने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है? कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल नंबर ऑफ काइट्स इज इक्वल टू 84। काइट इन वन कार्टन, एक कार्टन या एक बॉक्स में कितनी काइट्स है? 21। नंबर ऑफ कार्टन्स फाइंड करने के लिए 84 को 21 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 5, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द मोड ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। लुकिंग एट द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मोड ऑफ ट्रेवलिंग, स्कूटर, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल, वॉकिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो स्माइली है वो 25 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। 25 25 25 25। स्कूटर से कितने स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं? आप इन सबको ऐड करेंगे, 100 यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन स्माइलीज को काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4। 4 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी 100। ऐसे आप पब्लिक बस में भी फाइंड कर सकते हैं, पब्लिक बस से कितने स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्माइलीज इंटू 25, 1 स्माइली 25 स्टूडेंट्स को शो रिप्रेजेंट करती है, 125 आएगा। ऐसे आप बाकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट, वॉट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग स्कूटर एज अ मोड ऑफ ट्रैवल। स्कूटर से कितने स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं? स्माइली काउंट करो। स्माइली काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेट इज 100 स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग साइकिल और वॉकिंग एज अ मोड ऑफ ट्रैवल। साइकिल से कितने स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं? 75।
एंड वॉकिंग से, वॉक करके कितने स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 × 25, डेट इज़ 175. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रेवल? स्कूल बस. वाई स्कूल बस? बिकॉज स्कूल बस से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5th आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है बार ग्राफ. व्हाट इज़ बार ग्राफ? जो ये डाटा है, ये जो वैल्यूज़ है, इनको हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ पे इन वैल्यूज़ को आप बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. दिस रेक्टेंगुलर शेप इज कॉल्ड बार. बार को आप जब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, डेट इज कॉल्ड बार ग्राफ, लाइक दिस. कोई भी डाटा आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बार ग्राफ कहते हैं. बार की फॉर्म में आप वैल्यूज शो करेंगे. नाउ एक्सरसाइज 20.3. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, अ बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बोथ ए एंड बी इन अ सर्कल ओनली. आप बार ग्राफ को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों वेज में आप ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज वर्टिकल ग्राफ एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राफ. सो ऑप्शन विल बी सी. अ ग्राफ ड्रॉन यूजिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड वर्टिकल बार. यूज करके जो आप ग्राफ बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड बार ग्राफ. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, रीड द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है. एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है? नंबर ऑफ पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, दीपक, आलोक, दीप्ति, सुलेखा, इरफान. एंड वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइन पर हमें गिवन है हार्ट बीट्स. हार्ट बीट्स को आपने यहाँ पे इक्वल गैप में शो किया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. और ये आपने बार ग्राफ ड्रॉ किया. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट. हमें उस पर्सन का नाम बताना है जिसकी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा है. अब बार ग्राफ सबसे बड़ा किस केस में है? आलोक. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आलोक. आप बस आंसर लिखेंगे, डेट इज आलोक. फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में जिस पर्सन का नाम बताया गया उसकी हार्ट बीट बतानी है. इसमें किसका नाम लिखा है? आलोक. आलोक की हार्ट बीट क्या होगी? कैसे चेक करेंगे? ये ऊपर वाली जो बार है इसको आप देखो, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है? 70. आंसर क्या आएगा? 70. थर्ड पार्ट, नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट. उस पर्सन का नाम बताना जिसकी हार्ट बीट सबसे कम है. आप वो वाला बार ग्राफ देखें जिस जो सबसे छोटा बना हुआ है, ग्रीन कलर का जो बार है, उसकी वैल्यू सबसे कम है, दीपक. तो नाम यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दीपक. फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में जिस पर्सन का नाम लिखा गया, नाम बताया गया, उसका हार्ट बीट्स फाइंड करना है. दीपक है, दीपक का हार्ट बीट क्या होगा? ये ऊपर वैल्यू देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे 45. तो यहाँ आंसर आएगा 45. व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द फाइव पीपल नेम्ड इन द ग्राफ. ये जो फाइव पीपल हैं, फाइव पर्सन्स हैं, इनकी एवरेज हार्ट बीट फाइंड करनी है. आप क्या करेंगे? इन सब की हार्ट बीट्स जो हैं उनको ऐड करेंगे, देन फाइव से डिवाइड करना है. अब यहाँ पे देखो दीपक की हार्ट बीट कितनी है? 45. आलोक का 70. दीप्ति की हार्ट बीट आप देखेंगे 50. देन सुलेखा की है 60. एंड इरफान की हार्ट बीट यहाँ आप चेक करेंगे, ये वैल्यू क्या है यहाँ से चेक करना है, 55. ये सारी वैल्यूज़ आप ऐड करेंगे एवरेज फाइंड करने के लिए. 45 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 55. ये सारी वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है और 5 से डिवाइड करना है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56. तो ये आपका फाइनल आंसर है. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.